नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के अपने डिस्कशन की श्रृंखला में आज मैं आपके साथ पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑब्लिक मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि असेसमेंट ईयर 2017-18 से पेनल्टी लगाने का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तरीका है इन रिलेशन टू द एडिशन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट दैट हैज चेंज्ड। और वो पेनल्टी जो पहले कंसीलमेंट पेनल्टी सेक्शन 271(c) के फॉर्मेट में लगती थी, वो पेनल्टी अब एक नए सेक्शन 270(a) के फॉर्मेट में लगनी शुरू होगी। तो आज के अपने डिस्कशन में सर, मैं इसी पेनल्टी के प्रावधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपको कहा कि अब तक जो पेनल्टी लग रही थी वो पेनल्टी लगती थी सेक्शन 271 सबसेक्शन ए क्लॉज सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिसका नाम मैंने यहां पर प्रीवियस रिजीम दिया, जो असेसमेंट ईयर 2016-17 तक ही लगेगी। असेसमेंट ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स जो भी असेसमेंट होंगे उनमें जो इनकम ऐड होगी उस पर नई पेनल्टी 270(a) की लगेगी। लेकिन मैं नई पेनल्टी पर आने से पहले एक बार पुरानी पेनल्टी सेक्शन 271 सबसेक्शन ए क्लॉज सी की व्यवस्था आपके सामने संक्षिप्त में रख रहा हूं। जो पहले पेनल्टी सर 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में लग रही थी, वो पेनल्टी या तो लगती थी कंसीलमेंट ऑफ इनकम की परिस्थिति में, या वो पेनल्टी लग रही थी फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स देयर ऑफ, यानी अगर असेसी को इनकम छुपा रहा था या इनकम के संदर्भ में जो डिटेल्स वो दे रहा था वो इनएक्यूरेट थे, सही नहीं थे, तो कंसीलमेंट की पेनल्टी पहले लगा करती थी। ये पेनल्टी का क्वांटम कितना हुआ करता था सर? ये पेनल्टी का क्वांटम था 100% to 300% ऑफ टैक्स अमाउंट सॉट टू बी इवेडेड। लेकिन ज्यादातर केसेस में सर हमने जो देखा वहां पर पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट के बराबर उसके आसपास की लगा करती थी। तो सर अब ये प्रीवियस रिजीम मैंने आपके सामने रखा, अब मैं इसे नए रिजीम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, नए रिजीम में क्या बात लेकर के आई है, उस और आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। तो देखिए सर, जैसे मैंने आपको बोला कि अब नया रिजीम आया है जो सेक्शन 270(a) का है, जो कि लागू होगा विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18, यानी महत्वपूर्ण है कि यदि आपका असेसमेंट असेसमेंट ईयर 16-17 तक का है तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी किसी इनकम के एडिशन पर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। और यदि असेसमेंट ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स आपके कोई इनकम ऐड हो रही है और आईटीओ उस पर्टिकुलर इनकम को अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग की कैटेगरी में मानता है, तो ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स अधिकारी आपको सेक्शन 270(a) ऑफ इनकम टैक्स में पेनल्टी लगाएगा। अब ये पेनल्टी सर दो प्रकार के बाइफर्केशन में जा रही है। फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम द पेनल्टी विल बी 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। और यदि सर ये पर्टिकुलर मामला मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड है तो पेनल्टी लगेगी सर 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच मिस रिपोर्टेड इनकम। यानी आपके मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहां पर आ गया वो ये है कि हम इनकम का एडिशन जो होगा यदि किसी असेसमेंट में हुआ हो, जो कि असेसमेंट ईयर 17-18, और 17-18 यहां पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए असेसमेंट ईयर है सर, ये पहला साल है, डेब्यू ईयर मैं इसे कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि असेसमेंट ईयर 17-18 फाइनेंशियल ईयर 16-17 से जुड़ा है जिसमें नोटबंदी से रिलेटेड असेसमेंट हुए हैं, तो ये जो एडिशंस हुए हैं वो भी या उनके अलावा दूसरे एडिशंस जो एसएससी के रेगुलर कोर्स में हुए हों उनमें से कौन से अंडर रिपोर्टेड माने जा सकते हैं, कौन से मिस रिपोर्टेड माने जा सकते हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें भरसक कोशिश करनी है कि हमारे असेसमेंट में जहां तक संभव हो इनमें से कोई भी पेनल्टी ना लगे। साथ ही साथ सर मुझे आगे के डिस्कशन में आपको ये क्लियर करना है कि अंडर रिपोर्टिंग क्या है और मिस रिपोर्टिंग क्या है, तो मैं अब आपको उस ओर लिए चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टिंग होती क्या है। अंडर रिपोर्टिंग को इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 270(a) में जब डिफाइन किया गया तो उसकी कुछ परिस्थितियां निर्धारित की गई कि अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इट विल बी एज्यूम दैट द असेसी हैज अंडर रिपोर्टेड इज इनकम। वो क्या है सर? पहली बात, द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमाइंड इन द रिटर्न प्रोसेस्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 143।
समझने की कोशिश करिएगा सर, आपने अपनी रिटर्न भरी मान लीजिए 5,50,000 रुपीज की टोटल इनकम दिखाते हुए। आपकी इनकम भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आईटीआर प्रोसेस्ड का एक सूचना देता है कि योर आईटीआर इज प्रोसेस्ड, उसको हम इंटीमेशन बोलते हैं टेक्निकली, वो आपको मेल से रिसीव होती है। तो मान लीजिए 5.5 लाख रुपए की आपने रिटर्न भरी और आईटीआर प्रोसेस भी 5.5 लाख पर हो गए। मान लीजिए उसके बाद में आपका असेसमेंट खुलता है असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए, और अब आपका असेसमेंट किया जाता है 6,25,000 पर, 6,25,000 पर, यानी देर इज एन एडिशन ऑफ रुपीज 75,000 रुपीज। बाय डिफॉल्ट दिस 75,000 रुपीज एडिशन इज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, एंड इफ इट इज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम देन मोस्ट प्रोबेबली इट विल अट्रैक्ट द पेनल्टी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 270A। साथ ही सर, यदि if the income is assessed and it is greater than the maximum amount not chargeable to tax, then in that case also it is a case of under reporting of income। यहाँ कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने रिटर्न ही नहीं भरी और बाद में आईटीओ ने मेरा असेसमेंट खोल लिया सेक्शन 144 बेस जजमेंट में, और बेस जजमेंट में मेरी इनकम उसने डिटरमाइन करी 7,50,000 रुपीज पर, तो क्योंकि मेरी इनकम 7.5 लाख रुपए आ रही है और वो ग्रेटर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स यानी 2.5 लाख की लिमिट से ज्यादा है, तो सर ये पूरी की पूरी इनकम मेरी क्या मान ली जाएगी, अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। तीसरी परिस्थिति, इनकम रीअसेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम असेस्ड और रीअसेस इमीडिएटली बिफोर सच असेसमेंट। इसका मतलब क्या है सर, आपका मान लीजिए पहले से असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए एक असेसमेंट हो गया 12 लाख रुपीज पर, उसके बाद में आपका एक रीअसेसमेंट जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं सेक्शन 147 का असेसमेंट खोला गया, और उसमें आपके टैक्सेबल अमाउंट को फर्दर बढ़ा करके लेट्स अज्यूम 12 लाख रुपए से 18 लाख कर दिया, तो ये जो 6 लाख रुपए का एडिशन हुआ है सर, दैट विल आल्सो बी अ केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। एडजस्टमेंट इन मैट ऑब्लिक ईएमटी कंप्यूटेशन, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं सर, हम लोग इसे डीम्ड टोटल इनकम कहते हैं, यानी जहां किसी एसएससी का बुक प्रॉफिट बेस कंपनी के केस में मैट बेस्ड टैक्सेशन होता है, या यदि किसी कंपनी ने 35AD चैप्टर 6 से पार्ट सी 80IIB जैसे या 10AA के डिडक्शन क्लेम किए हो, तो वहां पर AMT कंप्यूटेशन की जाती है नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज में। यदि उनके असेसमेंट के दौरान भी इसी प्रकार के ऊपर जैसे मैंने ABC में लिखे चेंजेस हैं वैसे निकल करके आते हैं, तो ऐसे एसेसीज की जो इनकम एडिशन होती है जिसे हम बुक प्रॉफिट का एडिशन बोल सकते हैं या एडजस्टेड टोटल इनकम का एडिशन बोल सकते हैं, उनके केस में भी सर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड पेनल्टी लागू होती है। साथ ही सर, यदि आपने जो लॉस रिपोर्ट किया अपनी रिटर्न में, आपने एक रिटर्न भरी लॉस आपने उसमें बताया और वो लॉस का क्वांटम कम कर दिया गया है, यानी मान लीजिए मैंने 46 लाख रुपीज लॉस की रिटर्न भरी, आईटीओ ने असेसमेंट खोला उसको घटा के 40 लाख कर दिया, तो मेरा 6 लाख रुपए का जो लॉस आईटीओ ने कम किया दैट इज ऑल्सो केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। ये कुछ परिस्थितियां हैं सर जिनमें आपकी इनकम को अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की कैटेगरी में ले जाया जा सकता है, और यदि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम आ गई तो जैसा मैंने पहले आपके सामने बात रखी 50% ऑफ टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम के बराबर की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। इसलिए सर अंडर रिपोर्टिंग को समझना उस आशय से बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक अगली बात जो सर हमें समझनी है, व्हाट इज मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। पहली बात आपको यहां पर यह ध्यान रखनी होगी, जैसा मैंने पहले आपके सामने व्यक्त किया कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्या होती है, और इसी अंडर रिपोर्टिंग का एक क्लासिफिकेशन है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। देखिए, आपने रिटर्न भरी और रिटर्न भरने के बाद में रिटर्न प्रोसेस हुई, उससे ऊपर जो इनकम डिटरमाइन हुई मैंने बोला कि साहब वो बाय डिफॉल्ट अंडर रिपोर्टिंग है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरी जबकि आपकी इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट थी, तो वो भी मैंने अंडर रिपोर्टिंग कैटेगरी माना। आपकी इनकम ऑलरेडी असेस्ड हो गई, अब आपका रीअसेसमेंट हुआ पिछले असेसमेंट से ज्यादा पर हुआ, उसको भी मैंने अंडर रिपोर्टेड कैटेगरी माना। इसी अंडर रिपोर्टिंग की कैटेगरी में से एक इनकम मिस रिपोर्टिंग की ओर भी जा सकती है। कब जा सकती है, ये परिस्थिति समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मान लीजिए आपने कोई कैपिटल गेन की इनकम छुपाई और आपको वास्तविक रूप में वो कैपिटल गेन था और ये चीज आईटीओ ने असेसमेंट के दौरान ढूंढ ली, तो आईटीओ ये कह सकता है साहब कि जो आपने इनकम कैपिटल गेन की लेट्स अज्यूम 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की थी, आपने उसके तथ्य छुपाए, क्योंकि आपने वो तथ्य नहीं दिए तो मैं उसे अंडर रिपोर्टिंग से भी आगे मिस रिपोर्टिंग मानता हूं। अब
अंडर रिपोर्टिंग भी मान ले, मिस रिपोर्टिंग भी मान ले, ये मानना किसके हाथ में? आईटीओ के हाथ में। लेकिन इट इज नॉट कि वो उसकी इच्छा से ना मान सकता है, वो डिपेंड करेगा कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है। यदि आईटीओ को लगता है कि आपने सप्रेशन ऑफ फैक्ट करके वो 2 लाख रुपए छुपाए हैं कैपिटल गेन के, तो आईटीओ उस इनकम को मिस रिपोर्टिंग में ले आएगा। और यदि मिस रिपोर्टिंग में ले आया तो आप फर्क समझिएगा सर, अंडर रिपोर्टिंग पर पेनल्टी लगती है 50% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच अंडर रिपोर्टेड इनकम, जबकि सर मिस रिपोर्टिंग के केस में पेनल्टी लगेगी 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन मिस रिपोर्टेड इनकम। अब कितना बड़ा फर्क है सर, यानी 4 गुना की पेनल्टी हो गई मिस रिपोर्टिंग में एज कंपेयर टू अंडर रिपोर्टेड। इससे एक और क्लियर मैसेज निकल करके आता है सर, कि जो लोग जानबूझ करके अपनी आय को छुपाते हैं उनके प्रति सरकार का एक कड़ा मैसेज जा रहा है कि आपको अब हम उन लोगों से अलग ट्रीट कर रहे हैं जिनका जनरल एडिशन हो रहा है, जो जानबूझकर के तथ्यों को छुपा रहे हैं, गलत प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके केस में पेनल्टी का क्वांटम अब 4 गुना कर दिया गया है। तो यह इस आशय से महत्वपूर्ण है सर। दूसरा केस, फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हालांकि इस क्लॉज के कंफ्यूजिंग इंटरप्रिटेशंस रहेंगे, लेकिन आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए और वो इन्वेस्टमेंट्स एक तरीके से अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने उन्हें पूरी तरीके से नहीं रिकॉर्ड किया बुक्स में। मैं यहां पर बिजनेस से रिलेटेड बात ज्यादा करूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में भी एक क्राइटेरिया मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एन एविडेंस। आपने कोई खर्चा क्लेम किया और उस खर्चे के संदर्भ में आप कोई एविडेंस नहीं रख पा रहे, यानी कोई सबूत नहीं दे पा रहे, दिस इज ऑल्सो केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मान लीजिए सर, आपने कोई खर्चे क्लेम किए और वो खर्चे वास्तविक रूप में किए ही रहे, यानी डिपार्टमेंट मानता है कि आपने फर्जी खर्चा क्लेम किया है, इसके संदर्भ में कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में आईटीओ उस खर्चे को किस में लाएगा? मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की कैटेगरी में ला सकता है। इसी प्रकार से फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट इन बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग अ बीयरिंग ऑन टोटल इनकम। ये भी बहुत बड़ा क्लॉज है कि आपकी कोई रसीद है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी इनकम कमाई जिसे आप एग्जम्प्ट मानते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे टैक्सेबल मानता है, तो बाय डिफॉल्ट हो सकता है आईटीओ जब उसे ऐड करे तो वो मिस रिपोर्टिंग की कैटेगरी में ले जाए। एंड फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन टू विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10 अप्लाई। ये पहले से 271(c) के फॉर्मेट में इसे लाया गया और ये कहा गया है, यदि आप किसी ट्रांजेक्शन को जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन है या माना गया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है उसे रिपोर्ट नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इनकम मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जा सकती है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आ रहा है सर, वो क्या आ रहा है, हमें यह समझना है कि जो भी इनकम में एडिशन हो रहा है ओवर एंड अबव ऑन वॉट माई आईटीआर हैज बीन प्रोसेस्ड, एज्यूमिंग दैट आई हैव फाइल्ड माई आईटीआर, बाय डिफॉल्ट वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की कैटेगरी में ले जाने वाले। उसी अंडर रिपोर्टिंग में से आईटीओ को लगेगा कि इन 6 में से कोई एक कारण लग रहा है उस अंडर रिपोर्टिंग का, तो आईटीओ उसे मिस रिपोर्टिंग मानेगा। अब यहां महत्वपूर्ण क्या है सर, कि आईटीओ को यानी असेसमेंट अथॉरिटी को अपने असेसमेंट ऑर्डर में लिखना चाहिए कि वो रिलेवेंट एडिशन को अंडर रिपोर्टिंग मान रहा है या मिस रिपोर्टिंग मान रहा है, क्योंकि उसी से उसका भविष्य का पेनल्टी लगाने का प्रारूप तय होगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट के लिए, टैक्स एडवोकेट के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आईटीओ ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में क्या ऑब्जर्वेशन दिया है और उसी ऑब्जर्वेशन के अनुरूप ये पर्टिकुलर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब यहां सर मैं अपनी बात को एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण के थ्रू आपके पास रखना चाहता हूं कि मैंने जो भी बात समझाई वो किस प्रकार से कलर लेगी, आप जरा समझने का कोशिश करिएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर एग्जांपल, मेरे पास विभिन्न प्रकार के एसेसीज हैं। पहला है एक्स जो कि एक इंडिविजुअल है, वाई एन कंपनी जो एक पार्टनरशिप फर्म है, वाई प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जेड लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी। इसके ऊपर टैक्स रेट स्लैब रेट लगती है, इस एसेसी पर 30% लगती है, इस पर भी 30 लग रही है, इस पर भी 30 लग रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब मैंने पहला क्राइटेरिया लगा कि क्या इन एसेसीज ने रिटर्न भरी। एक्स के केस में मैं मान लेता हूं रिटर्न इसने नहीं भरी। अब इस एसएससी का 143(1) तो होगा ही नहीं सर, क्योंकि एसएससी ने रिटर्न ही नहीं भरी, तो रिटर्न कहां से प्रोसेस होगी। लेकिन मान लीजिए आईटीओ ने असेसमेंट खोल करके इस एसएससी का 7 लाख पे असेसमेंट किया,
तो सर क्वांटम ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है उसकी? पूरी की पूरी इनकम ही अंडर रिपोर्टेड है 7 लाख। और पेबल ऑन इनकम को बाय डिफॉल्ट क्या होगा सर 7 लाख पर? इसकी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 17-18 में 66,950 रुपीज टैक्स पेबल है। तो सर अब जो पेनल्टी लगेगी, यदि अंडर रिपोर्टेड की पेनल्टी लगी तो 66,950 का आधा ये पेनल्टी लगेगी, और यदि आईटीओ ने इस 7 लाख रुपए को मिसरिपोर्टिंग कैटेगरी में रखा तो सर 66,950 का दुगना, यानी फिर इस परिस्थिति में सर पेनल्टी लगेगी 133,900 की। तो यह महत्वपूर्ण है सर कि आईटीओ किसी एडिशन को मिसरिपोर्टिंग मानता है, अंडर रिपोर्टिंग मानता है। मैं एक बात और यहां आपके समक्ष रखता हूं सर कि इनकम टैक्स में जब ये सेक्शन 270 ए असेसमेंट ईयर 17-18 यानी फाइनेंस एक्ट 2016 से आया तो एक सबसेक्शन सेक्शन 270 ए में ये भी लिखा गया कि व्हाट इज नॉट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। वो भी हमें ध्यान रखना है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्या होती है। जब एक असेसी अपना पक्ष किसी पर्टिकुलर रिसीट के संदर्भ में पूर्णता सही सही रख देता है तो आईटीओ हो सकता है उसे अंडर रिपोर्टिंग नहीं माने। इसी प्रकार से कई बार आईटीओ जीपी रेट एनपी रेट लगाकर एडिशन करते हैं, वो भी बाय डिफॉल्ट अंडर रिपोर्टिंग नहीं है। तो मेरा फोकस इस और रहना चाहिए कि मैं सबसे पहले इस बात को सही प्रकार से समझूं कि वेदर एन एडिशन इज नीदर अंडर रिपोर्टेड नॉर मिस रिपोर्टेड, और इट इज अंडर रिपोर्टेड बट नॉट मिस रिपोर्टेड, और इट इज मिस रिपोर्टेड, और उसी के अनुरूप सर पेनल्टी फाइनली डिसाइड की जाएगी। अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा सर एक्सन कंपनी का। इस असेसी ने मान लीजिए 6 लाख की रिटर्न भरी और 143(1) में ये 6.5 लाख पर रिटर्न प्रोसेस हुई, यानी कुछ इनकम बढ़ी कुछ टैक्स बढ़ा। फाइनली सर इस असेसी का असेसमेंट खुला और 8 लाख पर इनकम असेस हुई, तो इस असेसी का अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है सर 1.5 लाख। इस 1.5 लाख रुपए पर मैंने 30% फर्दर 3% का एजुकेशन एसएचईसी लगा के 46,350 की टैक्स लायबिलिटी डिसाइड कर ली। यदि ये एडिशन अंडर रिपोर्टिंग कैटेगरी का है तो 23,175 रुपए का पेनल्टी लगेगा, और यदि ये मिस रिपोर्टिंग कैटेगरी का है तो सर असेसी को 92,700 रुपीज का पेनल्टी लगेगा। इसी प्रकार से सर यदि आप इस थर्ड केस में वाई प्राइवेट लिमिटेड में देखते हैं तो यू विल सी आई हैव पुट इट कि असेसी ने 35 लाख की आईटीआर फाइल करी, 35 लाख पर ही इसका 143(1) हुआ, लेकिन असेसमेंट सर 39 लाख रुपीज पर हुआ। तो जो 4 लाख का एडिशन है सर वो बाय डिफॉल्ट अंडर रिपोर्टेड है। इसके ऊपर मैं टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए असेसी क्योंकि कंपनी है फर्दर 3% एजुकेशन एसएचईसी सहित 31,600 का टैक्स लायबिलिटी मानता हूं। अंडर रिपोर्टिंग में सर 50% और मिस रिपोर्टिंग पर 2×247,200 का पेनल्टी लागू हो सकता है। ये अंतिम केस बड़ा महत्वपूर्ण है सर जेड लिमिटेड का, जिसने 65 लाख रुपए की लॉस रिटर्न भरी और ये 65 लाख रुपए पर 143(1) में प्रोसेस होने के बाद असेसमेंट में मात्र 30 लाख पर ही डिसाइड हुई, यानी फाइनली उसका लॉस जो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया वो 30 लाख ही एक्सेप्ट किया। तो ऐसी परिस्थिति में सर 35 लाख का एडिशन बाय डिफॉल्ट क्या है अंडर रिपोर्टेड, और इसके ऊपर टैक्स पेबल कैसे निकाल लिया सर मैंने? हालांकि फाइनली एसएससी की टैक्स लायबिलिटी निल है, लेकिन लॉ ये कहता है कि यदि आपका लॉस घटाया गया है तो जितना घटाया वो आपकी डीम्ड टोटल इनकम है। तो ऐसी परिस्थिति में सर इस 35 लाख के पॉजिटिव फिगर पर 30% की रेट से जिसे एजुकेशन एसएचईसी से बढ़ा के ये टैक्स आया, यदि ये अंडर रिपोर्टिंग कैटेगरी में है तो इतनी पेनल्टी और मिस रिपोर्टिंग में है तो 21,63,000 की पेनल्टी एसएससी के ऊपर लग सकती है। तो सर ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है समझने के लिए कि सर रिलेवेंट पर्टिकुलर एडिशन के ऊपर अंडर रिपोर्टिंग होगी तो कितनी पेनल्टी और मिस रिपोर्टिंग होगी तो कितनी पेनल्टी डिपार्टमेंट लगा सकता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके साथ लेकर के आ रहा हूं, हाउ टू एस्केप सेक्शन 270A पेनल्टी। जब सेक्शन 270 ए आया सर तो फॉर्चुनेटली उसके साथ में एक सेक्शन 270AA भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इनकम टैक्स एक्ट में लेकर के आया गया है सर, वो भी फाइनेंस एक्ट 2016 से ही आया, और वो ये कंडीशंस बताता है कि कब सेक्शन 270A की पेनल्टी, और ना केवल 270A की पेनल्टी बल्कि कोई प्रोबेबल प्रोसिक्यूशन भी असेसी के अगेंस्ट इनिशिएट होना हो तो आईटीओ ऐसे पर्टिकुलर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट असेसी को इम्यूनिटी दे सकता है, यानी उसको छोड़ सकता है, मुक्त कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। पहला, द असेसी शुड मेक एन एप्लीकेशन टू द एओ। असेसी को आगे बढ़ करके एक निर्धारित फॉर्म के अंदर, प्रपत्र के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन करनी है,
और साथ ही साथ उसे यह सुनिश्चित करना है कि उसने वो टैक्स और इंटरेस्ट जो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर डिसाइड हुआ है उसका भुगतान कर दिया है, और असेसी को यह भी सुनिश्चित करना है कि उसने ईओ के ऑर्डर पर सीआईटी अपील में अपील नहीं करी। यदि असेसी ने इस प्रकार से एक एप्लीकेशन आईटीओ के समक्ष लगाई है और आईटीओ को लगता है कि जो एडिशन उसने किए हैं वो मिस रिपोर्टिंग की कैटेगरी के नहीं है, माइंड यू सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आईटीओ की ओपिनियन में मिस रिपोर्टिंग की कैटेगरी का कोई एडिशन है, जैसा मैंने आपके आपके साथ आगे डिस्कस किया, ऐसी परिस्थिति में आईटीओ इम्यूनिटी नहीं देगा। लेकिन यदि आपके अंडर रिपोर्टिंग के नेचर के एडिशन है और आपने टैक्स और इंटरेस्ट का भुगतान कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आईटीओ आपको इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन बोथ दे सकता है। यहाँ सेक्शन 270AA में टाइम लिमिट भी दिया है कि सर असेसी को जिस दिन रिलेवेंट ऑर्डर मिला जिसकी वजह से पेनल्टी इनिशिएट होना प्रपोज्ड है, विद इन 1 month असेसी को एप्लीकेशन करनी है, और असेसी के एप्लीकेशन वाले महीने के अंत से 1 महीने के अंदर अंदर आईटीओ भी उसकी एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देगा। तो ये क्या तरीका है सर, इस पर मैं केवल इतना कमेंट करना चाहूंगा कि आपको तय करना है कि आपके ऑर्डर में, असेसमेंट ऑर्डर में, यदि कोई एडिशन अंडर रिपोर्टिंग कैटेगरी का है जो मिस रिपोर्टिंग की ओर नहीं जाता, तो आप टैक्स और इंटरेस्ट का भुगतान करना यदि चाहते हैं, आपको लगता है मेरे को आगे अपील में जीतने के चांसेस कम है, मैं टू बाय मेंटल पीस यहीं पर टैक्स दे करके, इंटरेस्ट देकर फ्री होना चाहता हूं, और आपका एडिशन मिस रिपोर्टिंग कैटेगरी का नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में 270AA आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों से ही मुक्ति दे सकती है। तो उस पक्ष से सर ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो हमारे को सेक्शन 270AA के अनुरूप ध्यान रखनी चाहिए। तो अंत में सर मैं आपको निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन 270A पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं सर जो मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष इस प्रकार से रखना चाहता हूं कि सेक्शन 270A की पेनल्टी ईओ भी लगा सकता है, सीआईटी भी लगा सकता है, और सीआईटी अपील भी लगा सकता है। ये अथॉरिटी तीनों के पास में है कि उनमें से कोई भी एक अथॉरिटी यदि वो अपना एडिशन कर रहे हैं तो उस पर आप पर पेनल्टी लगाए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेक्शन में है वो ये है सर कि कोई पर्टिकुलर पेनल्टी या एडिशन, मैं पेनल्टी की जगह एडिशन वर्ड यूज करूंगा, कोई पर्टिकुलर एडिशन क्या अंडर रिपोर्टिंग की कैटेगरी का है या मिस रिपोर्टिंग की कैटेगरी का है, और यदि वो इन दोनों ही कैटेगरी का नहीं है तो 270A में पेनल्टी लगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे मेरे दिमाग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सर कि अब तक जब कंसीलमेंट की पेनल्टी सेक्शन 271(c) में लगाई जाती थी तो हम ये कहते थे कि साहब क्वेश्चन ऑफ लॉ पर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की कंसीलमेंट की पेनल्टी नहीं लगेगी। अब क्योंकि लॉ बदल दिया असेसमेंट ईयर 2017-18 से, तो ये क्वेश्चन भी रहेगा सर कि यदि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर एडिशन हुआ तो क्या सेक्शन 270A की पेनल्टी लगेगी क्या। अब बाय डिफॉल्ट सर पेनल्टी में जो एक बेसिक चीज है, कॉन्सेप्ट, वो क्या है, मेंस रिया, स्टेट ऑफ कल्प्रिट माइंड। यदि असेसी प्रूव कर दे कि साहब मेरी ओर से कोई स्टेट ऑफ कल्प्रिट माइंड नहीं था और एक डिबेटेबल पॉइंट के ऊपर एडिशन हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में सर 270A की पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। 270A की पेनल्टी सर अभी भी मेरी ओपिनियन में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर लगनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, लेकिन जिस प्रकार से लॉ लिखा गया उसमें ये बात क्लियर नहीं है। तो सर आगे समय बताएगा कि 270A की पेनल्टी पर जुडिशरी क्या व्यू लेती है, किस प्रकार के एडिशंस को डिपार्टमेंट मिस रिपोर्टेड मानता है, लेकिन हो सकता है अपीलेट अथॉरिटीज उसको अंडर रिपोर्टेड माने, हो सकता है वो अंडर रिपोर्टेड भी ना माने। तो ये आने वाला समय इस प्रकार से सेक्शन 270A और 270AA के लॉ को डेवलप करेगा। लेकिन इस दौरान सर आपकी पेनल्टी से रिलेटेड, 270AA से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, यू कैन राइट टू मी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द सॉल्यूशन देयर ऑन एज पर माई नॉलेज, वॉट एवर जो भी छोटी सी है। तो मैं आज के लिए सर यहीं समाप्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।